लाइक सब्सक्राइब बेल आइकॉन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं बताऊंगा कि हमारे पास ये डीवीडी आई है। ये डीवीडी है, ये काम नहीं कर रही है, इसके डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कोई पावर नहीं आ रही, कुछ भी नहीं चल रहा है इसका। तो हम आज चेक करेंगे इसके बटन का मसला है या इसके बिल्कुल स्पीड का मसला है या कुछ क्या मसला है, पावर का मसला है। इसको हम पूरा चेक करेंगे, चेक करके आपको बताएंगे कैसे हमने इसको रिपेयर करना है। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। ये देखें दोस्तों, हमने इसको खोला है, ये डीवीडी को खोला है, कैपेसिटर फटा हुआ है। पहले कैपेसिटर को चेक करेंगे, फिर ट्रांसमीटर को चेक करेंगे, फ्यूज़ चेक करेंगे, पूरा उसका पावर डेटा चेक करेंगे, पूरा कैसे काम, किस वजह से ये कैपेसिटर फटा है, कैपेसिटर क्यों फटा है, किस वजह से फटा है और इसकी जगह कौन सा कैपेसिटर लगाना है। पूरा हम पावर सप्लाई निकालेंगे, पावर सप्लाई का रिपेयर करेंगे, पावर सप्लाई का फॉल्ट दूर करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा फॉल्ट उसका कोई होगा तो निकलेगा तो हम देखेंगे। ये क्लिप आपने निकाल लेना है, ऐसे क्लिप निकाल के आपने इसको निकाल लेना है, क्लिप को, क्लिप निकाल दिया। अभी इस सप्लाई को जो है ना, इसके अंदर ये लॉक है, इस लॉक को निकालना है, लॉक को निकाल के हमने बाहर निकाल लेनी है। इसके डिवोट है, डिवोट हम चेक करने हैं, कैसे चेक करने हैं। अगर आपको डिवोट चेक करना है तो वो मेरी ऊपर वीडियो है, उस वीडियो में आप जाके उसको देख सकते हैं, उसमें डिवोट कैसे चेक करते हैं। ये मैं इसको डिवोट को चेक करूँगा। मेरे पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से आपको डिवोट कंटिन्यूटी की रेंज पर रखना है, डिवोट की कंटिन्यूटी पर रखना है। एक साइड से अगर डिवोट रेजिस्टेंस देगा, दूसरी साइड से कुछ भी नहीं देगा तो डिवोट सही है। अगर कंटिन्यूटी दोनों साइड से कंटिन्यूटी दे रहा है, फुल बीप दे रहा है तो ये ख़राब है। कैपेसिटर तो ज़ाहिर है हमारा ख़राब है, कैपेसिटर हमें चेंज करना ही करना है। इससे हमने लाजमी इसका फ्यूज़ भी चेक करना है, फ्यूज़ भी हमारा अगर सही है तो फिर हमारा कैपेसिटर का मसला है, कोई और मसला नहीं है। हमने डाइवर्ट चेक करने हैं, डाइवर्ट को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, अगर हमारा मीटर ऐसे शो कर रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है एक साइड से और दूसरी साइड से कुछ भी दिखा रहा है, हमारा डाइवर्ट ठीक है। ये देखिए मैंने डाइवर्ट के उससे लगाया हुआ है, चेंज करके देखेंगे तो आपका ये कुछ भी नहीं दिखाएगा। अभी इसको मैं चेंज करता हूँ, अभी ये देखें ऊपर मीटर में फुल दिखा रहा है और इसमें दूसरे में लगाऊंगा, लगा के दूसरी साइड से इसको कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। ये देखें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अभी क्या करेंगे, ये हमारे पूरे डाइवर्ट सही है, डाइवर्ट के कैसे हमारे को एक साइड से अगर बीप देगा तो सही है, इस साइड से एक साइड से खाली रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए। मल्टीमीटर पर अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आपने खाली रेजिस्टेंस देखनी है, एक साइड से रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, एक साइड से नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपके पास सुई वाला मीटर है तो उसको उसमें भी एक साइड से दिखाना चाहिए, एक साइड से नहीं दिखाना चाहिए। अगर दोनों साइड से दिखा रहा है तो फिर डाइवर्ट शॉर्ट है। अब इस कैपेसिटर को हम चेंज करेंगे, कैपेसिटर की वजह से हमारा जो आगे पावर सप्लाई शो नहीं कर रहा है, आगे वोल्टेज हमारे पूरे नहीं आ रहे हैं। कैपेसिटर को हम निकालेंगे, निकाल के दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे, उसकी वैल्यू देखेंगे कौन सी वैल्यू का एक कैपेसिटर है, 300 वोल्ट का होना चाहिए। ये देखिए तो दोस्तों, ये हमारा कैपेसिटर जो है 250 वोल्ट का है, इसकी जगह हमने 300 वोल्ट का लगाना है और 100 UF का है। अभी क्या करना है, इसके लगाने का तरीकाकार क्या है, आपने उसकी प्लस माइनस कैसे दिखानी है, ये आपको देखें, ये माइनस है, इसकी माइनस दिखा रही है, जिस पर साइड पे ये निशान होगा वो माइनस होगा और जिस साइड पे कुछ भी नहीं होगा वो प्लस होगा। यानी ये साइड हमारा माइनस है और ये साइड हमारा प्लस है। अभी ये तो हमने देख लिया, हमने उतार लिया, अभी हम इसमें देखेंगे सर्किट में हमारा कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। अभी सर्किट में हमारा ये जो निशान है, ये जो निशान की साइड पर आएगा, ये निशान जो आपको दिख रहा है छोटा वाइट निशान, ऐसे पर आएगा, ऐसे आपने लगाना है। ये हमारा वो साइड जहाँ पे वाइट निशान अगर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा माइनस है। फिर इसको कैपेसिटर को लगा देखेंगे, चला कर देखेंगे कि हमारा ये काम करता ही करता है। ये देखें दोस्तों, हमने कैपेसिटर देख दूसरी सर्किट निकाल लिया है, ये 450 वोल्ट कैपेसिटर का है, 450 वोल्ट का है और इसका 50 वोल्ट इसके वो है। इसको हमें लगाएंगे इसमें, क्या ये छोटा है इसी वजह से आपको क्या करना है, इसके साथ दो टांगे लगानी पड़ेगी, दो टांगे वेल्ड करनी पड़ेगी और फिर जी आज आग लगने लगेगा। ये देखें दोस्तों, मैंने टांगे लंबी कर दी है, क्योंकि बटन छोटा है, हमारे पास यही था, हमने अभी बाज़ार से इतना ना देखते
अभी क्या करना है आपने, ये माइनस देखना है, माइनस उसी तरह माइनस पे लगाना है, ऐसे ऐसे आपने लगाना है माइनस के साथ लगा के आपने, फिर उसके बाद जैसे सोल्डरिंग करनी है। ये देखिए दोस्तों, ऐसे आपने इसकी टांगे पीछे से मोड़ देनी है और इसके आपने उलटी डालनी देनी है, निशान के साथ निशान लगनी चाहिए, माइनस के साथ माइनस लगना चाहिए। अभी पीछे से हम कुछ सोल्डरिंग कर देंगे और चेक करेंगे इसको। ये देखें दोस्तों, हमने लगा दिया। अभी इसको ये जो फालतू टांगे हैं काट देनी है। अभी इसका फ्यूज चेक करना है, फ्यूज कैसे हम चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें सकट मैं फिट कर दिया, अभी इसको मैं चेक करूँगा इसकी लीड लगा के। लीड आपने क्या करना है, सीरीज में लगानी है। अगर सीरीज में ये फुल शार्ट दिखाएगा तो सही नहीं है, अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, शार्ट फुट नहीं दिखा रहा है। अभी हम देखते हैं कि हमारा डीवीडी काम कर रहे हैं कर रहे हैं। डीवीडी का हमें बटन दबाना है, ये स्टैंड बाई का बटन है, इसको दबाना है। ये देखिए हमारा डीवीडी ऑन हो गया है। देखिए दोस्तों, हमारा डीवीडी ऑन हो गया, आपको नजर आ रहा होगा ये डीवीडी हमारा ऑन हो गया, नोट जस्ट दिखा रहा है हमारा डीवीडी काम कर रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। शुक्रिया।